एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर की जो कहानी है वो बोहर्स मॉडल से स्टार्ट होती है। बोहर्स ने हाइड्रोजन के ऊपर काम किया और बोहर ने क्या किया, बोहर ने कहा कि जब कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है इलेक्ट्रॉन में उसके उसके शेल में, तो MVR NH by 2 पाई है। ये पहला रिजल्ट है बोहर का। सेकेंड है, दिस कंडीशन इज कॉल्ड बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन। CBSE का पुराना पेपर खोल के देख लेना, वो एक नंबर का क्वेश्चन पूछ रहे कि राइट कंडीशन फॉर बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन। फिर मत कहना कि ये तो कराया ही नहीं था, ये लिखनी है MVR इज NH by 2 पाई। फिर उसने क्या कहा कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन अपर शेल से लोअर शेल में जंप करता है, इनिशियल एनर्जी EI है, फाइनल EF है, तो चेंज इन एनर्जी EI माइनस EF है जो कि एच न्यू है, हमने किया हुआ है इस केमिस्ट्री के अंदर ये। और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, बोहर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन, क्वांटाइजेशन कंडीशन और फ्रीक्वेंसी कंडीशन। क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट है बोहर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन है, हाइड्रोजन के उस प्रोटॉन के आसपास एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है एक प्रोटॉन के आसपास इन रेडियस ऑफ आर। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, कितनी फोर्स से, 1/4πε0 q1q2/r² e × e/r² तुम चाहो तो नेगेटिव भी लगा सकते हो। फोर्स अगर नेगेटिव है उसको फिजिक्स में अट्रैक्टिव बोलते हैं, फोर्स पॉजिटिव है उसे क्या बोलते हैं, रिपल्सिव बोलते हैं। पर क्योंकि अट्रैक्टिव है, मैंने मैग्नीट्यूड लिया पर आप लगा सकते हो, एक ही बात है। तो अट्रैक्टिव फोर्स है और ये अट्रैक्टिव फोर्स उस इलेक्ट्रॉन को क्या प्रोवाइड कर रही है, सेंट्रिपिटल। सेंट्रिपिटल का फॉर्मूला क्या है, mv² / r। तो मैंने इक्वेट कर लो, r से r कैंसिल कर लो, यहां से किसकी वैल्यू आ गई, mv² की वैल्यू आ गई, mv² आ गया। अब mvr किसके इक्वल है, NH/2π। यहां से वेलोसिटी निकाल लो, इस वेलोसिटी को यहां पुट कर लो, तो ये वेलोसिटी का स्क्वायर हो जाएगा। और इसे ओपन करो, ये आर स्क्वायर है, ये आर है, आर स्क्वायर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आर की वैल्यू आएगी। तुम्हारे न्यूमेरिकल PYQ में तुम्हें देखने को मिलेंगे जिन्होंने किए कि आर प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर के ऊपर PYQ आते हैं। तो इंपॉर्टेंट है जो रेडियस है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है, वो रेडियस जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तुम्हें रेडियस की वैल्यू पता लग गई, अब तुम एक काम करो, इस रेडियस को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, यहां पे वेलोसिटी में। तो जो तुमने वो बड़ा सा रेडियस निकाला और अगर तुम यहां पुट कर दो तो क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी। तो इस रेडियस को आप यहां पे पुट करें तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी आएगी, रेसिप्रोकल लें तो ये इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी आएगी। इंपॉर्टेंट वेलोसिटी नहीं है, इंपॉर्टेंट है वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन है, इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे जरूर। PYQ और CBSE दोनों पुराने साल के मेंस और नीट के क्वेश्चन, और CBSE जरूर इसके ऊपर क्वेश्चन पूछेगी। रेडियस एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, भूलना नहीं, किसकी बात हो रही है, हाइड्रोजन की। और वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन है, किसकी बात हो रही है, हाइड्रोजन की। नेक्स्ट है वेलोसिटी का फॉर्मूला। अगर तुम यहां पर ये सारे कॉन्स्टेंट पुट करो, 2π इलेक्ट्रॉन ये एन को छोड़ के, और स्पीड ऑफ लाइट की फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो ये फॉर्मूला तो याद नहीं कर पाओगे वेलोसिटी का। ये याद कर लो, 1/137 × c/n न्यूमेरिकल में काम आएगा। वेलोसिटी की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये तो बहुत बड़ा फॉर्मूला है, ये यूज कर लो। 1/137 को अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं और अल्फा की जो वैल्यू है उसको फाइन स्ट्रक्चर कॉन्स्टेंट बोलते हैं, थोड़ी ईजी हो जाएगा और कुछ नहीं है। तो रेडियस एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन हाइड्रोजन के लिए। दूसरा पॉइंट भी क्लियर है। तीसरा एनर्जी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम।